हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस हिंदू स्वराज रिटन बाय महात्मा गांधी, जिसे इंडियन होम रूल भी कहते हैं। और इसे महात्मा गांधी जी ने लिखा था 1909 में। ये एक बहुत ही छोटी बुक है जिसमें कि 30,000 वर्ड्स हैं, और मात्र 10 डेज़ के बीच में इन्होंने इसको लिख करके कंप्लीट कर दिया था। जब ये एक जहाज से कहीं जा रहे थे, लंदन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने इसको लिखा हुआ था 10 दिन के अंदर। नवंबर 13 से लेकर नवंबर 22 तक इन्होंने इस बुक पे काम किया था और इसको लिख करके रेडी कर दिया था। तो ये जो बुक है, इसमें बेसिकली बात की गई है हिंद स्वराज के बारे में, कि स्वराज क्या है और स्वराज के ऊपर गांधी जी के अपने विचार क्या हैं, वो कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, उनका व्यू उन्होंने इसमें दिखाया हुआ है। जिसमें कि उन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन पे बात किया है, मैकेनिज्म पे बात किया है और एजुकेशन पे बात किया है। तो ये जो बुक है, ये 1909 में लिखी गई थी, लेकिन 1910 में इसे ब्रिटिश के द्वारा इंडिया में बैन कर दिया गया था, क्योंकि ये इसे सेडिशियस टेक्स्ट मानते थे। इस बुक को सेडिशियस का मतलब होता है देशद्रोही वर्क, तो उसको वो ऐसा मानते थे, इसलिए उन्होंने बैन कर दिया था। बाद में इसे नेटिव लैंग्वेज में गांधी जी ने अपने लिखा हुआ था। नेटिव लैंग्वेज उनकी गुजराती थी, तो उसमें ही उन्होंने उसको लिखा था। फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया गया था इंडियन ओपिनियन में, जो गांधी जी ने ही शुरू किया था। और ये बुक जो है, गांधी जी ने ट्रैवलिंग के टाइम, मैंने बताया कि लिखा हुआ था, साउथ अफ्रीका जा रहे थे ये लंदन से, और इस जो बोर्ड था उस पर, उसका नाम था एसएस डोनन कैस्टल, जो बोर्ड थी उसके ऊपर ये बैठ के जा रहे थे, और वहीं पे इन्होंने लिखा हुआ था। इसको क्वेश्चन आंसरिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है गांधी जी ने। 1912 में जो हिंदू स्वराज था, उसको पब्लिश किया गया था इंग्लिश में, और इंग्लिश में पब्लिश करने से पहले इसको फ्रेंच और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट किया गया। उसके बाद 1912 में इसे इंग्लिश में पब्लिश किया गया। सेप्टेम्बर 1938 में जो फिलोसॉफिकल मैगज़ीन थी, उसने इसका द आर्यन पाथ नाम की एक मैगज़ीन थी, उसने पब्लिश किया था इसका एक सिंपोजियम हिंदू स्वराज का। सिंपोजियम का मतलब होता है एक निबंध, इसके ऊपर इन्होंने लिखा था, पब्लिश किया था। गांधी जी जो थे, वो स्वराज को स्वराज में, अपने हिंदू स्वराज में उन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज़ किया है, उसको जो है कि उसके बारे में बताया है कि ये जो मॉडर्न जो ये स्वराज है, इसमें सेल्फ कंट्रोल और स्पिरिचुअल कंट्रोल के ऊपर इन्होंने बात की हुई है। सन 1921 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था, उस टाइम पे एक असहयोग आंदोलन चल रहा था, गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो उस आंदोलन के टाइम पे ही कहा जा रहा था कि हमें स्वराज मिल जाता, लेकिन जो चौरी चौरा कांड हो गया, जिसमें सैनिकों को जला दिया गया था, जो इंडियन थे वो सैनिक के रूप में वहाँ काम कर रहे थे, और पुलिस स्टेशन को जलाया गया था इंडियंस के ही द्वारा, तो इन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा ब्रूट बताया था और कहा था कि इस तरीके से ही लोगों के अंदर जितनी हिंसा है, इनके अंदर जो सेल्फ कंट्रोल है वो नहीं है, स्पिरिचुअल कंट्रोल नहीं है, और जो है कि ये अपने ह्यूमैनिटी को खो रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि इस टाइम पे वो स्वराज अगर मिल भी जाए तो वो सच्ची स्वराज नहीं होगी, ये सोच करके इन्होंने असहयोग वो आंदोलन को वापस ले लिया था। और इन्होंने अपने जो स्वराज है, हिंद स्वराज, इसमें बात की है कि प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, कहा है कि यही एक बेस्ट सिविलाइजेशन है, और इस अगर ये ऐसी रह अगर ये हमारा सिविलाइजेशन हम फिर से अपने इस्टेब्लिश कर देते हैं एंशियंट सिविलाइजेशन को, तो वो हम वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे रहेंगे। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है बचा के रखना, मतलब अपने एंशियंट सिविलाइजेशन को बचा के रखते हैं तो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे हम आएंगे। और मॉडर्न सिविलाइजेशन को इन्होंने किंगडम ऑफ शैतान कहा है, कि शैतान का ये किंगडम है, और एंशियंट सिविलाइजेशन को इन्होंने किंगडम ऑफ गॉड कहा है, तो ये किंगडम ऑफ गॉड है, इन्होंने बताया हुआ है। अब बात कर लेते हैं हिंदू स्वराज के बारे में। तो हिंदू स्वराज में 20 चैप्टर्स हैं पूरे, जिसमें से हम लोग इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट 10 चैप्टर्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 4 है व्हाट इज़ स्वराज, चैप्टर नंबर 6 है सिविलाइजेशन, 7 है व्हाई वाज इंडिया लॉस्ट, चैप्टर नंबर 9 है द कंडीशन ऑफ इंडिया रेलवेज, और 10th है द कंडीशन ऑफ इंडिया, और 11th है द कंडीशन ऑफ इंडिया लॉयर्स,
और उसके बाद इंडिया कंडीशन ऑफ इंडिया डॉक्टर्स एंड 13 चैप्टर है व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन। चैप्टर नंबर 18 है एजुकेशन एंड 19 है मशीनरी। तो हम लोग इसको बेसिकली इम्पॉर्टेंट चैप्टर को सेलेक्ट करके उसको शॉर्ट करके उसमें हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस बुक इज़ रिटन इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म, जैसा कि मैंने बताया अभी गांधी जी ने इसमें रीडर के साथ कुछ क्वेश्चनिंग और आंसरिंग का के उस पर लिखा हुआ है। इसमें कि जो एडिटर हैं वो खुद गांधी जी हैं और एक उनके सामने रीडर है जो सेकंड पर्सन है। वो रीडर जो है बहुत सारे क्वेश्चनिंग करता है गांधी जी से और जो आंसर गांधी जी करते हैं उसे ही इन्होंने उस बुक में लिख रखा है स्वराज के ऊपर। और ये एक डायलॉजिकल फॉर्म में लिखा हुआ है जिसमें हिंदू स्वराज क्या है ये अपने रीडर को बता रहे हैं। वॉट इज स्वराज? स्वराज मीन्स सेल्फ कंट्रोल, स्वयं पर अपने इंद्रियों पर राज करना, यानी अपने जो है इंद्रियों को अपने वश में कर लेना और अपने अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग ही अपनी इंद्रियों को हैंडल करना। तो ये कह रहे हैं कि यही एक सच्ची स्वराज है। और गांधी जी बताते हैं कि ऐसा करने से आत्मनिर्भरता आएगी, इससे आंतरिक और बाहरिक स्वराज की प्राप्ति होगी। और कह रहे हैं कि जो ग्रीड है, सेल्फिशनेस है, सेल्फ सेंटर्डनेस है को खुद से दूर करना होगा। गांधी जी बिलीव्स कि सिर्फ ब्रिटिश पीपल को इंडिया से बाहर करना ही स्वराज नहीं है। इन अदर वर्ड्स ओनली डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ स्वराज। गांधी जी कहते हैं कि एक ऐसा स्वराज वो चाहते हैं जिसमें कि जन सामान्य के द्वारा जन सामान्य के लिए व्यवस्थित हो, जो व्यवस्था हो वो व्यवस्थित हो और उनके लिए ही काम करे। गांधी जी चाहते थे कि मोरल और स्पिरिचुअल दोनों प्रकार से राज होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, सेल्फ कंसेंस होना चाहिए, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वॉयलेंस के रूल को हटाकर वो कोऑपरेशन द्वारा लोगों के सहयोग से कार्य करने को ऐसा स्वराज होना चाहिए वो मानते थे। ह्यूमन के अंदर जो स्पिरिचुअल और मोरल फोर्सेस होते हैं उनके थ्रू स्वराज प्राप्त करना होगा, ऐसा मानते थे गांधी जी। गांधी जी बिलीव्स कि आज़ादी यदि मिल भी जाती है तो इंग्लिश विदाउट इंग्लिश मैन, तो ये कह रहे थे कि इंडिया में रह जाएगा इंग्लिश विदाउट इंग्लिश मैन। ब्रिटिश के जाने के बाद इंग्लिश रूल रहेगा इंडिया को, इंग्लिश तान जो कहते हैं इंडिया, एक इंडिया नहीं रह जाएगा, इंग्लिश तान रह जाएगा। लोगों को की थिंकिंग अगर नहीं चेंज होती है, इंग्लिश थिंकिंग, इंग्लिश रूल, इंग्लिश डेमोक्रेसी, इंग्लिश इंस्टीट्यूशन जब तक यहाँ रहते हैं स्वराज प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये बेसिकली इन सब बारे में इन्होंने बताया हुआ है जिसमें रूल लॉयर्स का क्या रोल है हमारे इंडिया में उस टाइम पर और डॉक्टर्स क्या रोल है वो उस टाइम पर उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया है, उनके बारे में बताया हुआ है। इंडियन रेलवे का क्या रूल है ये बताया हुआ है और स्वराज क्या चीज़ है ये उन्होंने बताया हुआ है। तो ये जो बेसिकली एजुकेशन और मैकेनाइजेशन है उस टाइम पे क्या चीज़ें हो रही हैं इंडिया में, तो उसको वो किस प्रकार से देखते हैं इस बारे में इन्होंने बात किया हुआ है। तो टोटल चैप्टर यही है और इसमें अब हम लोग बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं। इस पर फर्स्ट टॉपिक है सिविलाइजेशन। तो ये कहते हैं गांधी जी कंपेयर्ड करते हैं इसको वेस्टर्न कल्चर से और एंशियंट कल्चर से और कहते हैं कि जो एंशियंट कल्चर है वो बेस्ट है। गांधी जी डिक्लेयर दैट मॉडर्न कल्चर फॉल्स है और इसमें ये फेक है, ऐसा गांधी जी मानते हैं। बहुत ज़्यादा गॉडी है, गॉडी का मतलब होता है कि दिखावे से भरपूर, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ें दिखाई जाती हैं, बहुत दिखावा से भरपूर होता है, उसको गॉडी कहते हैं। तो गांधी जी मानते हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो फॉल्स है, फेक है और बहुत ज़्यादा दिखावे से भरा हुआ है, गॉडी है, जैसा कि जबकि ऐसा एंशियंट हमारा कल्चर जो है वो नहीं है। तो बाहरी दिखावे से के दिखावे पर जो बल देती है ऐसी सिविलाइजेशन है ये मॉडर्न सिविलाइजेशन, जिसमें इंटरनल वैल्यूज़ की डेवलपमेंट को इग्नोर किया जाता है। तो डीह्यूमनाइजेशन सिखाती है ये मॉडर्न सिविलाइजेशन हमको, ह्यूमनाइजेशन नहीं सिखाती है, और ये ऐसा कहते हैं गांधी जी। फिर गांधी जी कहते हैं कि इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन हमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिखाती है, सेल्फ कंट्रोल नहीं। और कहते हैं कि इमोर्टैलिटी सिखाती है, मोर्टैलिटी नहीं, ग्रीड सिखाती है, पेशेंस नहीं। तो ये कुछ कमियां इन्होंने बताई हुई हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। फिर गांधी जी कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को डिजीज़ बताया है इन्होंने,
जिसे कहा है कि ये टाइमली इसको क्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये हमारे देश को जो है कि एक तरह से अंदर ही अंदर खोखला कर देगी। और कह रहे हैं कि इस तरह गांधी जी ने मॉडर्न सिविलाइजेशन की बुराई करते हुए कहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन स्लेवरी को बढ़ावा देती है, इमोरल है, किंगडम ऑफ वार है, ये वार को बढ़ावा देती है। मॉडर्न सिविलाइजेशन की सोच को जिस प्रकार से इंडियन अपना रहे हैं, उससे वो इंडियन के मन में इंडियन सिविलाइजेशन को इंफीरियोरिटी की भावना को भरते जा रहे हैं और मॉडर्न सिविलाइजेशन को सुपीरियर जो है कि बताते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन ऐसा बिलीव भरता जा रहा है इंडियन सोसाइटी के ऊपर, इंडियन लोगों के ऊपर। गांधी जी ऐसा मानते थे कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, अगर उसको इसी तरीके से इंडियन लोग अपनाते रहेंगे, मॉडर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करते रहेंगे, तो एक दिन इंडिया का पतन हो जाएगा और वो अपने बेसिक रूट से दूर हो जाएंगे, जो कि है एंशियंट सिविलाइजेशन, और उससे वो दूर हो जाएंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि इंडियन कल्चर जो है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, और सिविलाइजेशन के साथ जो हेरिटेज है उसको ही सुप्रीम वो मानते हैं, और मॉडर्न सिविलाइजेशन के क्रिटिक हैं यहाँ पे गांधी जी, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये था हमारे सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा 7th चैप्टर, व्हाई वाज इंडिया लॉस्ट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि द इंग्लिश इज़ नॉट टेकन इंडिया, वी हैव गिवन इट टू देम। ये कहते हैं कि हमने ही अपने देश को उन्हें दे दिया है, उन्होंने हमारे देश को खुद से नहीं लिया है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जो स्लोली हम जो हैं स्लोली स्लोली हम उनके लैंग्वेज को, एजुकेशन को, सिस्टम को, फोर्स को, और मॉडर्न कल्चर को, मॉडर्न प्रोडक्ट्स को अपने आप ही अपनाते चले गए, और उसके ही उन चीज़ों को हम अपने जीवन में धीरे धीरे जो है कि एक्सेप्ट करते चले गए, जिसके थ्रू ही उन्होंने हमारे ऊपर राज कर लिया और हमको अपना गुलाम बना लिया, और हमारे ही कुछ लोगों ने उसमें हेल्प की है, जो आगे के चैप्टर्स में वो इनके बारे में बताएंगे कि किन लोगों ने किस प्रकार से इस काम को करने में ब्रिटिशर्स की हेल्प की है। लैक ऑफ पेशेंस, क्योंकि हमारे अंदर क्या था, लैक ऑफ पेशेंस था, हमारे अंदर पेशेंस की कमी थी, और हम लोग एक दूसरे से के बीच में, हम लोगों के बीच में जो एकता थी वो ख़त्म हो गई थी, हम लोगों के बीच में फूट जो था उस वही बड़ा कारण बना इस गुलामी का। तो वो बताते हैं कि ये दो जो कारण है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक तो हमने मॉडर्न सिविलाइजेशन को, उनके प्रोडक्ट्स को अपनाया, हमने पेशेंस की कमी रखी, और हमने आपस में ही लड़ाई झगड़े किए, हम लोगों को आपस में ही फूट था, इस वजह से ये बड़ा कारण बताया है इन्होंने अपना हमारे देश को गुलाम होने पर। और ये कहते हैं कि अनलिकली या अनडायरेक्टली या अनकॉन्शियसली इंडियन को का सपोर्ट मिला, तभी इंग्लिश पीपल अपना पॉलिटिकल कंट्रोल स्थापित कर पाए हमारे इंडिया पे। एग्ज़ाम्पल दिया है कि अगर एक भांग बेचने वाले से, इन्होंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देकर बताया हुआ है कि अगर भांग बेचने वाला भांग बेचता है तो उसका कोई दोष नहीं है, भांग जो खरीद रहा है खरीदने वाले का कसूर है। तो वो कहते हैं कि जो एडिक्शन है वो हमें है भांग पीने की, तो हम खरीद रहे हैं, और अगर हम भांग बेचने वाले को ब्लेम करते भी हैं तो मेरी हैबिट नहीं छूट जाएगी, इससे जो भांग पीने की हैबिट है वो छूट नहीं जाएगी। तो वो कहते हैं कि जो डिससेटिस्फैक्शन है वो अंग्रेज़ों ने हमारे देश में फैलाना शुरू किया, और यही जो है डिससेटिस्फैक्शन हमें फैलाना होगा अपने देश में उनके रूल के प्रति अगेंस्ट, कि हम उनके रूल के अगेंस्ट हैं, हमको हम सेटिस्फाइड नहीं है उस चीज़ से। तो वो अपने बुक में ये मेन बात कहते हैं, जिसकी वजह से ही पूरे बुक को बैन कर दिया गया था 1910 में, कि इसमें जो डिससेटिस्फैक्शन फैलाने की बात इन्होंने कही हुई है, जिससे विद्रोह की भावना जन्म लेगी हमारे देश में, तभी सपोर्ट जो है कि सभी लोग एफर्ट लगाएंगे और अपने स्वराज को प्राप्त करने के लिए कोशिशें करेंगे। तो ये था इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9th, रेलवेज, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो मेन चैप्टर थे, जो थोड़े लेंदी भी थे, सिविलाइजेशन और जो था व्हाई वाज इंडिया लॉस्ट, यही दो चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अभी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे दूसरे चैप्टर्स को। तो रेलवेज़ के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो रेलवेज़ है वो बहुत बुरी चीज़ है, गांधी जी ऐसा मानते थे, उनका व्यू उस रेलवेज़ पे ऐसा था कि वो रेलवे के अगेंस्ट थे और इसको बहुत ही ख़राब चीज़ मानते थे, बुरी चीज़ मांगते थे। और इस चैप्टर में उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हुए हैं रेलवेज़ पे। तो वो कहते हैं कि वो जो रेलवे है उसको वो पसंद नहीं करते हैं,
क्योंकि इसी रेलवेज के द्वारा इंडिया को गुलाम बना पाए हैं जो अंग्रेज हैं, और कुछ रीज़न भी दिए हैं जैसे कि रेलवेज़ का क्या रोल रहा है। तो रेलवेज़ का रोल रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, कि वो सारे सामान को हमारे इंडिया के सभी कीमती चीज़ों को, कीमती जो सामान थे इसको अपने देशों तक ले जाते थे वहाँ से, और चीज़ें ला करके इंडिया में फैला रहे थे अपने प्रोडक्ट्स को। तो वो कहते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये रेलवेज़ के द्वारा ही पॉसिबल हो पाया, तभी हमारे देश से कीमती चीज़ों को ले जाकर हमारे देश में जो है कि चाय और किन तरीकों की चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने हमारे इंडियंस के बीच में। और कहते हैं कि ये जो रेलवेज़ है ये जब ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है तो ये इसके साथ वायरस को भी फैलाती है, यानी डिजीज़ को भी बढ़ाती है, तो वो इसलिए भी इसको बुरा मानते हैं। और ये कहते हैं कि ये जो रेलवे है ये एक बुराई है, क्योंकि लोग इसके थ्रू ही अपने जो गाँव है, जो इंडियन सिविलाइजेशन में गाँव को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, तो वो उसको छोड़ करके अपने जो है शहर में जा कर के बस जाते हैं, वहीं पे हो जाते हैं, वहीं फैक्ट्रियों में काम करने लगते हैं और इंग्लिशर्स के लिए काम करने लगते हैं, अपनी खेती बाड़ी छोड़ देते हैं, जो उनका मेन रूट है उसको वो छोड़ देते हैं। तो इसलिए भी वो रेलवेज़ को बहुत बुरा मानते हैं और रेलवेज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके हिसाब से रेलवेज़ बुरी चीज़ है। फिर चैप्टर नंबर 10th है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, द कंडीशन ऑफ इंडिया, कि उस टाइम पे कंडीशन क्या थी इंडिया की। इसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो कंडीशन है इंडिया की उस टाइम पे वो चल रही है कि उसमें धर्म के आधार पे इंडिया में वॉयलेंस हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, और जिसकी उन्होंने निंदा की हुई है इस बुक में, और कहा है कि कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी धर्म हो, वो हिंसा नहीं सिखाता है, लेकिन इंडिया में जो धर्म के आधार पे हिंसा हो रही है उनका कारण मॉडर्न सिविलाइजेशन को ही बताया है गांधी जी ने। मॉडर्न सिविलाइजेशन पर चिंता व्यक्त करते हुए वो कहते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन है ये एक ठग है, ये लोगों को बरगला रहा है। वो कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को मोरल वैल्यू, सेल्फ कंट्रोल, ह्यूमैनिटी को कुतरने वाला बताया है, एक तरह से कीड़ा या दीमक जैसा बताया हुआ है जो अंदर ही अंदर अपना काम करता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। तो वो कहते हैं कि जिसने लोगों को अंदर से खोखला कर दिया है वो है मॉडर्न सिविलाइजेशन, उनके अंदर ह्यूमैनिटी की कमी हो गई, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस की कमी हो गई है। और वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को जो ये दंगे हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो ब्लड ब्रदर्स हैं, ब्लड से ब्रदर्स हैं, और धार्मिक जो हिंसा हो रही है वो धार्मिक हिंसा का विरोध करते हैं इस बुक में। फिर गांधी जी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को कोएग्जिस्ट करना सीखना चाहिए। तो वो लास्ट में शुरू में जो ये सारी बातें कमियां बताते हैं कि हमारे इंडिया की जो कंडीशन है, मार्क हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, तो फिर लास्ट में उन्होंने एक कंक्लूज़न दिया है कि हिंदू मुस्लिम को कोएग्जिस्ट करना सीखना चाहिए। फिर वो कहते हैं 11th चैप्टर में उनका व्यूज़ है द कंडीशन ऑफ इंडिया के लॉयर्स के बारे में, वो बात करते हैं कि उस टाइम पर लॉयर्स की क्या कंडीशन है इंडिया में, क्या रोल है। तो इस बारे में वो कहते हैं कि गांधी जी ने लॉयर्स को क्रिटिसाइज़ किया है और उनका विरोध किया है, उन्हें सिर्फ पैसे बनाने वाला बताया है, जो पैसे कमाने के लिए जो होड़ में लगे रहते हैं उन्हें किसी भी प्रकार के मोरल वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है, वे मनी सेंटर्ड काम करते हैं लॉयर्स को ही को, और जो लॉयर्स हैं उनको ही उन्होंने मेन कारण बताया हुआ है कि ये जो लॉयर्स हैं इन्होंने ही ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी इंडिया में अपने पैर को जमाने के लिए। और कहा है कि वकीलों का पेशा अनैतिक है, वकालत कि जो नीतियों उन्होंने बनवाई, ब्रिटिशर्स ने उनकी हेल्प ली और उन्होंने उनकी हेल्प की, तो जो अनीतियाँ उन्होंने वकालत के थ्रू बनाई तो वही देश के कारण, देश में दंगे फसाद के कारण हैं, हुए हैं, बढ़े हैं। तो वकील का पेशा जो है वो पैसा कमाने का है और वो पैसा कमाने को ही प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए गांधी जी इनका विरोध करते हैं कि ये जो वकालत जो ये पेशा है ये अनैतिक है। फिर वो कहते हैं 12th चैप्टर में कि इंडिया में डॉक्टर्स का क्या रोल है उस टाइम पे, जब कंडीशन जो इंडिया की है उस टाइम पे डॉक्टर्स का क्या रोल है। तो वो बताते हैं गांधी जी कि गांधी जी कहते हैं कि डॉक्टर भी जो है मनी सेंटर्ड काम कर रहे हैं उस टाइम पे, और पैसा कमाने की होड़ में वो भी लगे हुए हैं, मेन चीज़ पैसा को ही मानते हैं। डॉक्टर्स कभी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करते हैं, सिर्फ दवा दे से राहत देने का काम करते हैं, बीमारी को कुछ समय के लिए दबाने का कार्य करते हैं ताकि मरीज़ उनके पास बार बार आते रहें और उससे वो बहुत सारा पैसा बनाते रहें। तो डॉक्टर्स को भी उन्होंने यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया है, उनके रोल को भी यहाँ पर निंदाजनक बताया हुआ है। लास्ट जो चैप्टर है वो है व्हाट इज़ ट्रू सिविलाइजेशन, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो गांधी जी कहते हैं कि जो ट्रू सिविलाइजेशन है वो
इंसान अपना, जिसमें कि इंसान अपना ड्यूटी, अपना जो फ़र्ज़ है उसको पूरी तरह ईमानदारी से नीतियों का पालन करते हुए निभाता है। तो नीतियों का पालन करना, ड्यूटी करना, और वो भी बहुत ज़्यादा ईमानदारी से, तो वो कहते हैं कि ये करता है और सेल्फ कंट्रोल रखता है खुद के ऊपर, अब खुद के मान जो है मन के ऊपर, अपने ऊपर, शरीर के ऊपर कंट्रोल रखता है। और कहते हैं कि सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन जिसमें है, जो खुद से उनके अंदर ये भावना उत्पन्न है कि क्या सही है क्या गलत है, और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तभी हम ट्रू सिविलाइजेशन को प्राप्त कर सकते हैं। 18th चैप्टर है एजुकेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर क्वेश्चन आते हैं बार बार। तो इसमें ये बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट ऑफ हाई मोरल कैरेक्टर है वही एजुकेशन है, कि जिसमें मोरल कैरेक्टर जो है उसकी डेवलपमेंट जिसमें होती है वही एजुकेशन है। मोरल कैरेक्टर्स बिल्डअप को हो जाता है अगर किसी चाइल्ड के अंदर, तो उस कहते हैं कि वही उसे एजुकेशन माना जाएगा। वो मानते हैं कि सिर्फ मानसिक शिक्षा को एजुकेशन नहीं कहा जा सकता है। गांधी जी कहते हैं कि ट्रू एजुकेशन वो है जो ह्यूमन को शरीर और मन पर कंट्रोल रखना सिखाए। और कहते हैं कि एजुकेशन की डेफिनेशन भी स्पिरिचुअल वे में बताया है इन्होंने, और कहा है कि एजुकेशन वो है जो इंसान को साफ, शुद्ध और शांत और न्यायप्रिय बनाए, ऐसा एजुकेशन को ही वो ट्रू एजुकेशन मानते हैं। एजुकेशन मीन्स अ चाइल्ड कैन गेट हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी ब्रेन, यानी कि वो कहते हैं कि जो स्वस्थ बॉडी और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन जो दे सके वही एजुकेशन है। एजुकेशन मस्ट बी इन वर्नाकुलर लैंग्वेज नॉट इन इंग्लिश, वो इस पे भी प्रेशर देते हैं कि वो जो हमारी एजुकेशन है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए, न कि इंग्लिश में होनी चाहिए। और कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है, इंग्लिश की जंजीरें हमेशा हमारी चेतना पर जकड़ी रहेंगी और हमको इंग्लिश का गुलाम बनाई रहेंगी, जो कि आज के टाइम पर ऐसा है भी। और वो वुमेन एजुकेशन पे बल देते हैं और कहते हैं कि जो धार्मिक शिक्षा है वो होनी चाहिए। एजुकेशन का मीडियम हिंदी होना चाहिए, जो कि क्योंकि हमारे यहाँ की भाषा, कॉमन भाषा हिंदी है, तो वो कहते हैं कि एजुकेशन का मीडियम हिंदी होना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए, जिसमें आगे जा कर के अपनी आजीविका कमाने की कैपेसिटी बन सके किसी भी बच्चे के अंदर, तो वो वोकेशनल एजुकेशन पे भी यहाँ पे बल देते हैं। और कहते हैं कि जो गरीबों को बेरोजगारी से शेल्टर प्रदान करे, यानी बेरोजगारी और गरीबी से दूर रहने में उनकी मदद कर सके और इसको मिटाने में उनकी हेल्प कर सके, ऐसा शेल्टर दे सके, वही एजुकेशन है। और कहते हैं कि एजुकेशन का जो मीडियम है वो पर्सियन और संस्कृत जैसी नेटिव लैंग्वेज पढ़ने पर और सीखने पर भी बल देते हैं। तो ये बात थी एजुकेशन में। और लास्ट जो हमारा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 19, मशीनरी। तो मशीनरी के बारे में कहते हैं कि जो मशीन्स हैं वो टाइम को सेव करते हैं, वर्क को सेव करते हैं, श्रम को सेव करते हैं, मनी को भी बचाते हैं, लेकिन वो इसका, गांधी जी इनको सपोर्ट नहीं करते बल्कि इनका विरोध करते हैं और कहते हैं कि जो मशीनरी है ये एक तरीके से कैपिटलिज्म को बढ़ावा देती है। कैपिटलिज्म यानी कि जो अमीर को फ़ायदा पहुँचाती है और अमीर को और ज़्यादा अमीर बनाती है और गरीब को और ज़्यादा गरीब बनाती है। तो वो कहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि मशीन सिर्फ अपने ओनर के समय को और उनके पैसे और उनकी मेहनत को ही बचाती है, इससे गरीब का कोई, वर्कर्स का कोई इसमें फ़ायदा नहीं है, गरीब का कोई फ़ायदा नहीं है। मशीनों का काम इंसान की कल्याण का होना चाहिए, उनके फ़ायदे का होना चाहिए। और कहते हैं कि मशीनरी पूरे समाज के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए, मशीनरी जो है सिर्फ कैपिटलिज्म को ही बढ़ावा दे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जो अमीर अपना पैसा बचाता है गरीबों को काम, अमीर जो है अपना पैसा बचाता है गरीबों को कम मजदूरी देता है, और कहता है कि क्योंकि सारा काम मशीन ही करती हैं, तो वो गरीबों को कहता है कि तुम्हारा श्रम तो बच गया। तो इससे गरीबों का नुकसान होता है, एक तो उनका रोज़गार छीन जाता है, दूसरा उन्हें जो है काम जो थोड़ा बहुत उनको करने को मिलता भी है उसके भी पैसे उनको कम मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमेशा मशीनरी से गरीबों का ही लॉस है, इसमें अमीरों का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इस वजह से वो मशीन जो मैकेनाइजेशन है इंडिया में उसके अगेंस्ट हैं। और गांधी जी कहते हैं कि ये जो मैकेनाइजेशन है ये ऐसा नहीं होना चाहिए,
चाहिए तो कैसा होना चाहिए, ये बात भी इन्होंने इसमें बताई हुई है कि समाज के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, गरीबों के हित के लिए होना चाहिए, तभी मशीनरी ठीक है। अदरवाइज़ ये मशीन मैकेनाइजेशन जो इस टाइम पर इंडिया में है ये सही नहीं है, तो इसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है और इसके अगेंस्ट में बात की है। तो ये थे इम्पोर्टेंट 10 चैप्टर्स जो कि हमने अभी डिस्कस किए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड्स।